दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे। दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे। मेरी जान मेरे दिल पर मेरा एतबार कर लो, जितना बेकरार हूँ मैं खुद को बेकरार कर लो। मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे। मेरी जान मेरे दिल पर मेरा एतबार कर लो, जितना बेकरार हूँ मैं खुद को बेकरार कर लो। मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे। तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, इन हवाओं को इन घटाओं को मोड़ लाऊंगा मैं। हो तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, इन हवाओं को इन घटाओं को मोड़ लाऊंगा मैं। कदमों में जहाँ ये रख दूँ, मुझसे आंखें चार कर लो, जितना बेकरार हूँ मैं खुद को बेकरार कर लो। मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे। प्यार कर लो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो।
मुझसे प्यार कर लो। तुझको दिल में दे दूं, कैसे तुझसे प्यार कर लूं। दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे, मेरी जान मेरे दिल बल, मेरा एतबार कर लो। जितना बेकरार हूँ मैं, खुद को बेकरार कर लो। मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। जिसे प्यार कर लो। I'm not afraid।
खुशी की मुबारक घड़ी आ गई है। सजी सुर्ख जोड़े में चांद सी दुल्हन, जमीन पे फलक से परी आ गई है। सेहरा सुहाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, अब तो हर अपना बेगाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। फेरों से बंधा जन्मों का ये बंधन, प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन, सात फेरों से बंधा जन्मों का ये बंधन, प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन, है नई रस्में नई कस्में नई उलझन, होंठ है खामोश लेकिन कह रही धड़कन 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 मेरी धड़कन धड़कन तेरी धड़कन 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 मेरी धड़कन मेरी धड़कन। मुश्किल अश्कों को छुपाना लगता है, मुश्किल अश्कों को छुपाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, अब तो हर अपना बेगाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है।
तेरी गली बाबुल, खूबसूरत ये जमाने याद आएंगे, चाह के भी हम तुम्हें ना भूल पाएंगे। मुश्किल 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 दामन को छुड़ाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, मुश्किल दामन को छुड़ाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, अब तो हर अपना बेगाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, दूल्हे का सेहरा।
दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे। दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे। मेरी जान मेरे दिल पर मेरा एतबार कर लो, जितना बेकरार हूँ मैं खुद को बेकरार कर लो। मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। ला 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 ला। दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे। मेरी जान मेरे दिल पर मेरा एतबार कर लो, जितना बेकरार है दिल खुद को बेकरार कर लो। मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। ला 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 गर्म आलम है, दिल में तूफान है। बेकरारी है क्या खुमारी है, कितने अरमान है। मेरी जान कह रही है मुझ पे जान सार कर लो, जितना बेकरार हूँ मैं खुद को बेकरार कर लो। मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। बहके बहके कदम एक दूजे को लेके बाहों में आ लिपट जाए हम। रात आधी है, बात आधी है, बहके बहके कदम एक दूजे को लेके बाहों में आ लिपट जाए हम। रहते हो
तुम दिल की धड़कन में रहते हो तुम दिल की धड़कन में रहते हो मेरी इन सांसों से कहते हो रहते हो अच्छा देव, तुम कहते हो कि तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो, है ना? तो कितनी मोहब्बत करते हो तुम मुझसे? बोलो। दीवानों सा हाल हुआ हमको उनसे प्यार हुआ, दीवानों सा हाल हुआ हमको तो उनसे प्यार हुआ। धीरे से वो पास आए चुपके से इजहार हुआ। अब न किसी से डरना है, संग जीना मरना है। अब न किसी से डरना है, संग जीना मरना है। बाहों में आ जाओ, सपनों में खो जाओ। तुम दिल की धड़कन में रहते हो मोहब्बत देव, बहुत तड़पोगे, बेवजह तकलीफ होगी तुम्हें। आखिर ऐसा क्या है मुझ में? दुनिया ने ठुकराया है बस तुमने अपनाया है। दुनिया ने ठुकराया है बस तुमने अपनाया है। दिल को कितना सबने इतना सताया है। अपना है एक सपना, एक तू ही हो अपना। अपना है एक सपना, एक तू ही हो अपना। सपनों में खो जाओ, तुम दिल की धड़कन में रहते हो। हे, क्या मैं ही कहता रहूंगा और तुम कुछ भी नहीं कहोगी? रहते हो सच कहते हो सपनों में खो जाओ। तुम दिल की धड़कन में। तो भैया दो
वर्ब और दो सब्जेक्ट जब आपस में बराबर हो तो उस समय सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? साथियों इस कॉन्सेप्ट से अगर करोगे ना, जिंदगी में क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी हो जाए कभी गलत नहीं हो सकता। एक सेकेंड। ये क्वेश्चन यहां से चल के यहां तक खत्म हो गया। मुझे आंसर चाहिए साथियों, आंसर बताओ फटाफट जल्दी से, इसका अर्थ क्या है? राजीव वो खिलाड़ी है जिसे हम पसंद करते हैं, उसने 300 रन स्कोर किए हैं आज। क्वेश्चन नया बन गया, नया क्वेश्चन है भाई, दिस इज द न्यू क्वेश्चन। जल्दी से बताओ फटाफट आंसर क्या होगा भाई। मुझे नहीं पता क्या आएगा, मैं नहीं जानता क्या आएगा, आप बताओ। V1 S1 V2 S2, लेकिन हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मिला के ये क्या बन गया? V3। तो इस बार वर्ब कितनी हो गई? बोलो रे, सब्जेक्ट कितने हो गए? अब देखो, अब आपको लिंक कब मिलेगा वो देख लो ध्यान से, ठीक है? लिंक कब मिलेगा बुक का वो सुन लो ध्यान से। एक तो भाई आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, बुक के लिए फोन मत किया करो, क्योंकि आपको लगता है कि मैं अकेला फोन मिला रहा हूं और मेरे पास आते हैं एक घंटे में लगभग 300-400 कॉल, ठीक है? मेरा फोन आजकल 400% बैटरी खींच रहा है, दिन में 4 बार चार्ज करना पड़ रहा है, ठीक है? तो ऐसी स्थिति मत पैदा करो कि मैं कहीं गंगा जी में जाके स्नान करने जाऊं और वहीं पर रह जाऊं, ठीक है? तो ये स्थिति उत्पन्न मत करो मेरे सामने। अब बुक का लिंक सुन लो, कब डालूंगा? पहली तो बात, आपको फोन नहीं करना, आज का जो आपका दिन है वो बुक ऑर्डर करने का दिन है। अगर आपने अभी 5 बजे बुक ऑर्डर कर दी, ऐसे तो नहीं मैं रात को पोस्ट ऑफिस में दौड़ के जाऊंगा कि आपकी बुक जमा करने, ठीक है? आज पूरी रात जो है आप क्या कह सकते हो, कल 10 बजे तक का टाइम जो है वो आपका ऑर्डर करने का टाइम है, उसके बाद ही बुक आप पर भेजी जाएगी, तो इतने बेसब्र मत बनो। दूसरी बात, स्टार्ट करते हैं आगे सॉल्यूशन को, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? नमस्कार बेटा, नमस्कार, जय हिंद, नमस्कार सभी को, जय महाकाल। चलो, तो जो सारे के सारे नए बच्चे चैनल पर जुड़ रहे हैं वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो, ठीक है? और टेलीग्राम चैनल का नाम मैं आपको बताऊंगा, कैडेट डिफेंस एकेडमी, जिसको आप ज्वाइन करेंगे पीडीएफ, इफ यू वांट ऑल पीडीएफ्स देन यू विल ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। लेकिन उससे पहले आप चैनल, जहां पे आप चैनल को देख रहे हैं वहीं पे सब्सक्राइब का बटन होगा, सब्सक्राइब करेंगे सभी बच्चे, और इसके बाद हम कहानी को शुरू करते हैं, ठीक है? आपकी वॉच बहुत अच्छी, अच्छा, बहुत बढ़िया, शुक्रिया जनाब वॉच के लिए। ओके, स्टार्ट करते हैं बेटा। तो आज मॉक टेस्ट, आज का हमारा पहला मॉक टेस्ट है, एक बार जल्दी से फटाफट सारे के सारे शेयर मारो और लाइक करो ताकि सारे के सारे बच्चे एक बार पहुंच जाएं, फिर उसके साथ स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सभी का फिर स्कोर भी देखना होता है, फिर एक दो क्वेश्चन छूट जाता है तो अच्छे से स्कोर नहीं हो पाता है। जल्दी फटाफट, जल्दी से 30 सेकंड के अंदर अंदर सारे के सारे शेयर मारो जरा फटाफट। लाइक और शेयर एक साथ चलते रहने चाहिए बेटा, जल्दी फास्ट आने के लिए तो खड़ा हुआ हूं इतने 2 महीने से आप लोग के साथ। अभी इंग्लिश की मैराथन के लिए तैयार है ना सारे के सारे? सैटरडे को क्या घंटे की मैराथन लूं बताओ जरा? बोल तो ऐसे रहे हो जैसे पढ़ लोगे, आधे घंटे तुमसे बैठ के पढ़ा नहीं जाता। हाँ भाई, कितनी देर बैठ के पढ़ सकते हो तुम लोग? हाँ, उसमें मिसलिनियस कराऊंगा, मिसलिनियस क्वेश्चन बुक से कराऊंगा, ठीक है ना? बुक का ही सॉल्यूशन कराऊंगा मिसलिनियस क्वेश्चंस का, ठीक है? बताओ कितने घंटे पढ़ सकते हो, कितने घंटे का जोश है तुम्हारे अंदर लगातार पढ़ने का? 12 घंटे बैठ जाओगे भाई साहब? मैं 12 घंटे, चलो अगर मेरी तबीयत खराब हुई तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो रेस्ट ले लूंगा एक दिन का, लेकिन तुम्हारा लिया गया रेस्ट एक दिन का बहुत भारी पड़ जाएगा, क्योंकि मेरा कुछ नहीं है, मेरे को हालांकि मैंने भी अगर रेस्ट ले लिया तो नुकसान तो तुम्हारा ही है ना उसमें। इस समय रेस्ट तुम लो या मैं लो, बात एक ही है, पाली होती है, ठीक है? तो भी मेरे बाद मेरी क्लास होगी, मेरे बाद ओपी पटेल सर की, फिर मेरी 8 बजे द वो कैब शो, और 8 बजे के बाद जैसे ही मेरा 9 बजे वो कैब शो खत्म होता है, फिर 9 बजे से बैक टू बैक फिजिक्स की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो आज आपको पता ही है मैराथन क्लास है, तैयार रहिए मैराथन क्लास के लिए सारे के सारे बच्चे। तो कहानी को शुरू करते हैं बेटा। हाँ, एक्स ग्रुप की फिजिक्स की क्लास होगी बच्चा, ठीक है? चलो, और कल किसकी क्लास है भाई?
कल वाई ग्रुप की मैथ्स की मैराथन क्लास है, तो अब हर दिन एक मैराथन क्लास होगी, ठीक है। और परसों कौन सी होगी, शायद क्या पता मेरी भी हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन मेरी सैटरडे की तो फिक्स है अभी, बाकी देखते हैं अभी बीच में किसकी होगी। हाँ, एक ओपी पटेल सर की भी मैराथन क्लास आने वाली है, ठीक है। और बाकी सैटरडे संडे तो आपको पता ही है दोनों टीचर्स की किस किस की कौन कौन सी क्लास होगी, ठीक है बेटा। चलो तो स्टार्ट करते हैं कहानी को। पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने, आप थोड़ा सा स्पीड में आ जाइए, एक बार लाइक करना शुरू कर दीजिए सारे के सारे बच्चे, लाइक और शेयर करो फटाफट तेजी से, ठीक है ना। हाँ, धड़ धड़ सर की कल होगी क्लास, ठीक है, वाई ग्रुप की कल होगी। आज मैराथन कितने बजे से है? आज रंग काला पड़ गया ना, तो इसलिए नेगी ने सोचा कि सर का रंग थोड़ा गोरा कर दूं। हाँ चलो कोई बात नहीं, तो कहानी को स्टार्ट करते हैं। एज यूजुअल जो भी नए स्टूडेंट है मैं उनको बता दूं, बेटा बहुत सारे नए स्टूडेंट आप जब क्लास देखते हो तो अगले दिन फोन करते हो कि सर क्या हम यहां से भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। अगर आपने तैयारी लगातार अच्छी की है और हमारे साथ आप मॉक टेस्ट अभी से भी कर रहे हो तो आप कर सकते हो क्रैक, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, 10-12 दिन भी बहुत होते हैं। लेकिन अगर आपने पहले क्या किया नहीं किया तो अब ये सोचने का पूछने का समय नहीं है, अब तो सीधा है टारगेट को हिट करना है, ठीक है ना बच्चे। तो हर बच्चा कोशिश ये करे कि पूरा ताकत लगा दे, चाहे 2 दिन पहले, 4 दिन पहले या 10 दिन पहले आप तैयारी कर रहे हैं, आपको हर बच्चे को कोशिश करनी है। ये नहीं कि होगा या नहीं होगा, इसमें टाइम वेस्ट नहीं कीजिए। मुझे पता है आपकी दिल की धड़कने जो है बहुत तेज चल रही है, ठीक है, और क्यों ही ना चले, क्योंकि तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और जो बच्चा तैयारी करता है मेहनत करता है उसी के दिल की धड़कने तेज चलती हैं और उसी टीचर के दिल में भी धड़कने तेज होती हैं। हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, नए नए मॉक टेस्ट बना के ला रहे हैं रोजाना, सुबह शाम मैं आपके नंबर भी पूछूंगा मैं दोनों मॉक टेस्ट के आज, ठीक है ना। तो देखो सीधी सी बात यह है, आप लोग को बहुत अच्छे से पता है कि हर मॉक टेस्ट में कुछ नया सीखने को मिलना चाहिए, ये हमारा अल्टीमेट गोल है। कई बच्चे कह रहे हैं सर कई बार मेरे मॉक्स में 18-19 आ जाते हैं, आपके मॉक में कई बार 9-10 रह जाते हैं, तो आपको पता है कई बार मॉक बहुत टफ हो जाता है, कई बार इजी हो जाता है। तो यहाँ नंबर आपके लिए मैटर नहीं करते हैं, मैटर करता है कि आप चीजें नहीं सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं, ठीक है। अगर मॉक टेस्ट में मुझे तुम्हें 20 में से 20 दिलाने होते तो मैं बहुत आसान आसान से क्वेश्चन डाल देता, लेकिन उसका कोई बेनिफिट है? कोई बेनिफिट नहीं है। अच्छे बच्चों की तरह, एक अच्छे व्यक्ति की तरह सोच समझ के चलो, क्योंकि पेपर देने जा रहे हो तुम लोग, तुम्हें पता है अच्छा और बुरा क्या, कैसा कंटेंट है, क्या चीज है, वो सब बहुत अच्छे से आप जानते हो। तो चीजों को नए नए सीखने की कोशिश करो और टेंशन न लिया करो कि सर नंबर कम रह गए या कुछ हो गया, ये सब चीजों पे बिलीव करोगे तो फिर दिक्कतें आ जाएंगी, डीमोरलाइज हो जाओगे, और डीमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू आर द बेस्ट गाइज। आप बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ रहे हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोशिश करोगे उतना स्पीड से मैं आगे चलूंगा, ठीक है ना। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं बिना किसी बातचीत के। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग के सामने है, आज का पहला मॉक टेस्ट आप लोग के सामने है, फटाफट एक बार जल्दी से सारे के सारे लाइक करते चले जाओ। आपकी क्लास फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहा हूं, तो चलिए फर्स्ट टाइम अगर आप अटेंड कर रहे हैं तो होपफुली आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो, हम कोशिश करेंगे कि आपका समय बर्बाद ना हो, आपको अच्छा एक्सपीरियंस हो आज की क्लास में। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट, बहुत तेजी से आंसर देना स्टार्ट करो, जल्दी बहुत तेजी से फटाफट। द फर्स्ट क्वेश्चन यू हैव ऑन द स्क्रीन इज, सर आप देख एकदम हिमेश रेशमिया जैसे लगते हो, यहां आंसर दे ले यहां, ये कॉम्प्लीमेंट बाद में देता रहना, 5 रुपए अकाउंट में ट्रांसफर करवाने हैं क्यों भाई नालायक। चलो भाई अबे तुम बातचीत मत करो, शांति से बैठो। ओके गाइस, द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव ऑन द स्क्रीन इज ऑफन, इफ समथिंग हैपेंस ऑफन इट मींस वो रोजाना मतलब रेगुलरली होती है, कैसे होती है, सेटिंग करते टाइम सब जल्दीबाजी में हुआ तो उसके सेटिंग करते समय जो आंसर की में है वहां कुछ क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है, बाकी जितना भी है एरर्स का पार्ट है चैप्टर वाइज है वो सारा ठीक है, सब कुछ सही है बिल्कुल, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट इडियम्स फ्रेजल वर्ब्स जो पैसेज दिए हैं 70 समथिंग वो भी ठीक है, लगभग सारा सही है, बस जो मॉक टेस्ट है तो अक्षय ठाकुर बेटा या जो भी बच्चे बोल रहे हैं वो सब जो है मैं सभी को बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है, बाकी पीछे का मटेरियल कर लीजिए, जो मॉक टेस्ट है इसको छोड़ दीजिए क्योंकि मॉक टेस्ट मैं आप लोगों को करा दूंगा 25 तारीख के बाद, लगभग 1 हफ्ते में पूरे मॉक टेस्ट खत्म करवा दूंगा, उनकी आंसर की जो है अभी रुक जाइए वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, बाकी पीछे का जो मटेरियल है उसमें मिसलिनियस क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक्स या पैसेज वो सब सॉल्व कर लीजिए, वो कैप सॉल्व कर लीजिए जो मिसलिनियस दी हुई है, मॉक टेस्ट जो है स्टार्टिंग में वहां कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम रही है क्योंकि बहुत जल्दबाजी के चक्कर में आप लोगों ने थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया, तो उसकी जो आंसर की मैं लिखवाऊंगा जो मैं सही कर रहा हूं वही आंसर की आप लोग लेके चलना, ठीक है ना, उससे फाइनल करेक्शन भी हो जाएगा, ठीक। चलो बाकी जो बच्चे नहीं पहुंचे टेंशन न लीजिए, मैं मॉक टेस्ट इसीलिए करा रहा हूं आप लोगों के लिए, ठीक है ना। देखो अब जैसे देहरादून में मिल गई बच्चों को, आसपास के एरिया में मिलती जा रही है, तो ऐसे ही एक एक दिन जो है जितना दूर है वो उसी हिसाब से पहुंचती चली जाएगी, ठीक है। जैसे